आज एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन बाइनोमियल थ्योरम का एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी का। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे को दे रखा है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2n और इसकी मिडल टर्म हमें प्रूव करना है कि 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड डॉट 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 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n 2 की पावर n एंड x टू द पावर n, ये मिडल टर्म इसकी होगी, ये मुझे प्रूव करना है। सबसे पहले इसको देखो, कंपेयर करो कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू यानी 2x है और ऊपर जो पावर दे रखी है ना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मिडल टर्म में। यहां पर 2n, 2n का मतलब ये क्या होगा, इवन नंबर है, तो बिकॉज 2n इज इवन देयरफॉर मिडल टर्म इसकी कितनी होगी, फॉर्मूला याद रखो 2n अपॉन 2 n प्लस 1, 2 से 2 गया यानी n प्लस 1 टर्म होगी ना वो इसकी मिडल टर्म होगी। अब हमारे पास जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है ना वो है टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर एन बी टू दी पावर आर। अब इसमें कंपेरिजन करो, a की वैल्यू हमारे यहां पर कितनी है 1 है और b की वैल्यू हमारे पास x है तो n की जगह 2n है, तो ये वाली टी एन प्लस 1 का मैं यहां फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, यहां आर की जगह तो n चलेगा 2n कॉम्बिनेशन n और a की जगह हमारे यहां 1 है 1 की पावर 2n माइनस n और b की जगह हमारे यहां x है और पावर b की थी r आती ना, तो r की जगह कौन चल रहा है n, यहां पर हम n लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके मिडल टर्म ये रहेगी, बट अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे इसमें ये प्रूव करना है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 2n cn का सिंप्लीफिकेशन ये रहेगा फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n एंड दिस माइनस दिस, यहां दोनों का डिफरेंस आता है ना n माइनस r आता है और 1 की पावर 2n माइनस n कितना रहेगा n, तो 1 की पावर n तो कितना होगा 1 ही होगा और सीधा सा ये x की पावर n यहां पर बच जाएगा। अब पूरा फोकस हमें इसके सिंप्लीफिकेशन पर रखेंगे, यहां पर बहुत ढंग से केयरफुली 2n को एक्सपेंड करते हैं। देखो एक बात सीखी थी आपने, फैक्टोरियल 5 इसको एक्सपेंड कैसे किया था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 5 से लगा के 1 तक के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में इन नेचुरल नंबर्स को हमने लिया था। यहां पर 2n है तो इसको लिखते समय सावधान रखें, सबसे पहले 2n आएगा उसके बाद इससे एक कम, फिर एक और कम कर देंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, फिर एक और कम कर देंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, फिर एक और कम कर देंगे तो माइनस 4 हो जाएगा और ये इसकी कहानी चलती रहेगी। तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारे पास में इस तरह से इसका इसको एक्सपेंड करने से ये वैल्यूज मिलेगी। यहां पर पड़ा है फैक्टोरियल n और ये 2n माइनस n ये हो गया फैक्टोरियल n, लास्ट में x की पावर n को ले रूट है ये हमारे पास है। अब देखो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं वापस अपने अपने काम की चीजें एक जगह और बाकी चीजें दूसरी जगह लेते हैं। यहां पर कैसे सिलेक्ट करें कि मैं क्या करता हूं, इवन और ऑड को अलग अलग करने की कोशिश करता हूं, जैसे मेरे पास है ये 1, फिर मेरे पास है ये 3, फिर 5 और ये नहीं ये 2n माइनस 3 और 2n माइनस 1, ये हमारे पास में इवन और ऑड का भी डिस्ट्रीब्यूशन करके देखता हूं। तो मैं 1 को मैं क्या करता हूं इस तरफ ले लेता हूं, उस लास्ट वाले 1 को ये 1, उसके बाद क्या करता हूं 3 ले लेता हूं, फिर उसके बाद में 5 है, देन इसके बाद में 2n चलता रहेगा ये और मेरे को मिलेगा 2n माइनस 3, फिर मिलेगा इसके बाद में 2n माइनस 1, ये हमारे पास में ए स्टेप सारे यहां पर कलेक्ट करेंगे।
अब रिमेनिंग स्टेप्स कौन कौन से हो, देखो ये है मेरे पास 2n, उसके बाद में ये बच गया 2n माइनस 2, फिर बच गया मेरे पास 2n माइनस 4, एंड चलते रहे ऐसे, ये है हमारे पास 4 एंड इनटू ये 2 एंड x टू द पावर n को नहीं बोल रहे। तो ये वाला ब्लॉक तो हमने अलग कर दिया, जैसे है सारे मल्टीप्लाई में, कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट लगाओ या नहीं लगाओ, बट समझने के हिसाब से ब्रैकेट लगाओ थोड़ा इजी हो जाएगा। ये फैक्टोरियल n और ये फैक्टोरियल n। अब देखो ये तो आंसर मैच हो रहा है, तो इसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, इसको तो कंटिन्यू ऐसे ही लिखेंगे। आगे फिर सोचते हैं दूसरे के बारे में, ये हमारे पास आ गया 1, ये मल्टीप्लाई ना, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो ऑन चलता रहेगा, 2n माइनस 3 एंड लास्ट में है मेरे पास इसका 2n माइनस 1। अब इसको तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि आंसर मेरे को चाहिए चाहिए, यहां बात करते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ये देखो 2 इंटू एन लिख सकता हूं, इसको क्या कर सकता हूं, यहां से टू कॉमन ले लू अगर मैं तो एन माइनस वन आ जाएगा, यहां पर भी 2 कॉमन लेता हूं अगर मैं इसमें से ये 2 और ये एन माइनस 2, यहां बहुत होशियारी से काम करना है, चलता रहेगा, और ये हमारे पास 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 है ना, और यहां पर 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 1 और लास्ट हमारे पास एच डी पावर एन। डिनोमिनेटर में हमारे पास इसको छेड़ा ही नहीं, फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन। यहां बस थोड़ी सी ऑब्जर्व करने वाली बात है कि किस तरह से आप इसको ये रिमूव कर सकते हैं। देखो भाई ये तो हमारे पास कंटिन्यू रहेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड कंटिन्यू चले और 2n माइनस 3, फिर उसके बाद में 2n माइनस 1, इसके बारे में अब कोई भी बात नहीं करेंगे, पढ़ा रहेगा। यहां देखते हैं पहले, देखो टोटल ये जो लिखे ना ये नंबर कितने हैं, 1 से लेकर n तक लिखे रहे ना, तो ये n नंबर्स है, यहां से मेरे को एक ये 2 मिल रहा है, इससे मेरे को एक 2 मिल रहा है, इससे मेरे को फिर 2 मिल रहा है, इससे भी 2 मिल रहा है, इससे भी 2 मिल रहा है, मतलब हर नंबर स्प्लिट करने पर इंटू 2 प्रोवाइड कर रहा है। ये 2 कितनी बार है, देखो हर एक स्टेप से एक 2 मिल रहा है, तो अगर ये 10 स्टेप होते तो 2 की पावर कितनी होती, 10। अगर ये 5 स्टेप्स होते मल्टीप्लाई में तो 2 की पावर कितनी होती, 5। अगर ये 100 स्टेप्स होते तो 2 की पावर 100 होती। इसी तरह देखो गिनो कितने हैं, ये एन है ना, तो ये कितना क्या प्रोवाइड करेंगे मेरे को, 2 की पावर कितने नंबर से है, एन है, तो 2 की पावर यानी 2 को एन बार मल्टीप्लाई मिलेगा मेरे को यहां पर, एंड 2 कितनी बार है, एन टाइम्स मल्टीप्लाई में है। अगर 2 एन टाइम्स मल्टीप्लाई में है तो मैं बड़ा आराम से इसको 2 की पावर n कह सकता हूं। अब इसमें रिमेनिंग वैल्यू, इसका 2 तो मैंने यहां यूज कर लिया 2 की पावर n में, बचा कितना n, फिर उसके बाद कितना है n माइनस 1, यही बचे यहां पर, फिर कितना बचा हुआ है n माइनस 2, ये रिमूव कर देता और उसके बाद देखो n माइनस 2 आ गया, फिर ये 2 तो देखो मैं ले लेता यूज, ये वाला 2 बचा हुआ है 2 और फिर उसके बाद में ये बात, और ये 2 की पावर एन यहां लिखो बोले लास्ट लिखो एक ही बात है, ये हमारे पास अपॉन फैक्टोरियल एन एंड फैक्टोरियल एन। लास्ट में हमारे पास एक्स की पावर एन है, ये पढ़ा है। अब अगर आप चाहो ना ये 2 की पावर जो यहां एन यहां लिखी थी इसको मैं लास्ट में भी लिख सकता हूं, यहां पर लिखो प्रूफ में लास्ट में ऐसे में लास्ट में सब कर दिया, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां ऑब्जर्व कीजिए क्या चीजें हैं, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये हमारे पास 2n माइनस 3 और 2n माइनस 1,
ये हमारे पास कितना हो गया एन, उससे एक कम, उससे एक कम, चलते चलते टू इंटू वन तक पहुंच गए, और इस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एन, लास्ट में टू की पावर एन एंड एच टू की पावर एन अपॉन में फैक्टोरियल एन एंड फैक्टोरियल एन, ये एक फैक्टोरियल एन इस फैक्टोरियल एन से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास देखो रिमेनिंग वैल्यूज क्या है, वन इंटू थ्री इंटू फाइव एंड टू एन माइनस, इसको डायरेक्ट इसको भी ले सकते हैं, तो ये लिखो तो भी ठीक है, इंटू ये हमारे पास टू एन माइनस अपॉन, ये तो कैंसिल हो गया ना, सिर्फ ये बचा फैक्टोरियल एन इंटू ये हमारे पास टू की पावर एन एंड एच टू की पावर एन, ये हमारे पास क्या निकली है, मिडल टर्म। किसकी मिडिल टर्म गई, स्टार्टिंग देखा ना, वन प्लस एक्स होल टू दी पावर कितना था, वन प्लस एक्स की पावर कितनी थी, टू ए, इवन पावर थी, इसलिए अब इसकी मिडिल टर्म ये वाली ही होगी, क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म, जो क्वेश्चन में प्रूफ मांगी है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और यह स्पेशल चीज का ध्यान रखनी है, इनको अलग अलग करना है, और यहां पर एवरी टर्म से एक एक टू अलग करना है इस तरह से, और वो टू कितने थे, एन टाइम्स मल्टीप्लाई थे, इसकी टू की पावर एन आया है, इस बात को नहीं बोलना है, तीन चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आसान हो जाएगा और आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। मैथ्स तो प्रैक्टिस पे डिपेंड है, अब थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस पढ़ाए तो बाइनोमियल थ्योरम इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ये दो तीन फॉर्मूले वो आप याद कर ले, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।